सोनीपत के गांव जठेरी में पंचायती जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर सोनीपत डीटीपी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम की अगुवाई में गैंगस्टर कुख्यात अपराधी काला जठेरी द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया है। चोरी के मामले से कुख्यात अपराधी तक का सफर रहा है। सोनीपत जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए 8 दुकान और एक मकान में चलते आरओ प्लांट के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रदेश की सरकार अब अपराध की दुनिया के बदमाशों की अवैध निर्माण कार्यों को लेकर कड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में सोनीपत के गांव जठेड़ी में बने हुए अवैध निर्माण कार्यों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया, जहां मौके पर सोनीपत के ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार, एसडीएम, डीटीपी और डीएसपी की अगुवाई में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई और मौके पर बिना किसी विरोध के पंचायती जमीन पर बने हुए अवैध निर्माण को हटाया गया। जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी अपराध जगत का एक बहुत बड़ा नाम, हत्या के प्रयास, लूटपाट, फिरौती वसूली सरीके अपने ही गांव में काफी अवैध कब्जे किए हुए थे, जिनमें से अब प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। उसे पुलिस ने ऋषिकेश से गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का साथ उसे मिला हुआ है। दिल्ली में चोरी के एक अन्य मामले में भी उसने अपराध जगत में पांव रखा था। पिछले साल तक उसकी गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस की ओर से 7 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। आज जठेड़ी गांव में कंट्रोल एरिया में कार्रवाई की गई है और ये 8 दुकानें थी और हमने इनको बकायदा कंट्रोल एरिया में नोटिस दिए थे। 20/9/2022 को सोकाल नोटिस दिया था और आरओ दिया था 4/10 को और ये बीडीपीओ को दिया था हमने, क्योंकि ये पंचायती लैंड है और पंचायती लैंड पे कब्जा है और बीडीपीओ साहब ने बोला था कि हमें कोई एतराज नहीं अगर आप कंट्रोल एरिया में कार्रवाई करते हो, क्योंकि हम मलकियत उनकी थी, हम मलकियत के तहत ही नोटिस देते हैं। सर बात करें तो ये कितना एरिया है और साथ में किसके द्वारा कब्जा किया गया था? ये 15 फुट बाय 70 फुट की 7 दुकानें थी जो कि इंक्रोचमेंट की हुई थी और एग्जैक्ट एरिया वीडियो पे साफ बताएंगे कितने पे कब्जा था, नजायज कब्जा बताया गया था और ये उनकी कार्रवाई बनती है। बाकी कंट्रोल एरिया में हमने नोटिस दिए थे और कंट्रोल एरिया के तहत ये कार्रवाई की गई है। सर बात करें किसके द्वारा ये कब्जा किया गया था, जानकारी कौन था इस पे जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था? कब्जा के बारे में मुझे नहीं पता कि कब्जा के बारे में बीडीपीओ साहब स्पष्ट करेंगे, क्योंकि बीडीपीओ ने उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है और वो ही बता सकेंगे इस बारे में। मैंने तो नोटिस दिया, बीडीपीओ साहब को दिया था कि पंचायती लैंड पे जो जमीन पे आपने निर्माण किया है वो निर्माण भी कंट्रोल एरिया के तहत परमिशन लेनी होती है, तो उन्होंने जवाब में बोला कि हमें हटाने के लिए कोई एतराज नहीं और आप हटा सकते हो। किसी प्रकार का कोई विरोध तो नहीं हुआ सर? अभी विरोध नहीं हुआ है। एक बार नाम और पद बता दें सर आपका प्लीज़। नाम मैं डीटीपी तेजराज सोनीपत।